हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम लोग किस वीडियो में बात करने जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में, और आखिर में हम लोग किस वीडियो में बात करने चाहिए प्लेइंग 11 के बारे में। तो आप सभी लोगों को बस करना इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो पहला टेस्ट मैच था वो मैच ड्रॉ हो गया। इस कारण दोस्तों ऐसे दूसरा टेस्ट मैच ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें जो भी जीतता है तो समझो कि उसके हारने की पॉसिबिलिटी लगभग खत्म ही हो गई। और इसी कारण ये दूसरा टेस्ट मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। लेकिन दोस्तों जैसा पहला टेस्ट मैच घटित हुआ है, उस हिसाब से लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पहले टेस्ट मैच में 4 शतक लगे और साथ ही साथ दोस्तों 2 पर 400 से ज़्यादा रन बने। इसी का मुझे लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 67 मैचेस खेले जा चुके हैं इन दोनों के बीच, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया 33 बार जीती है, वही पाकिस्तान 15 बार। वही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डो यहाँ पर कुल मिलाकर 19 बार हो चुका है। तो अभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देखने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वही बात की जाए कि पाकिस्तान की जगह पे इन दोनों में से किसका बनना सबसे ज़्यादा भारी है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 20 मैचेस खेले जा चुके हैं इन दोनों के बीच, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता है, पाकिस्तान 7 बार। वही दोस्तों डो 11 बार जीता है। तो अब देखिए तो डॉ का पंडा सबसे ज़्यादा भारी है, लेकिन वैसे टीम में से पाकिस्तान का पंडा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वही बात की जाए कि ये मैच नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो वहाँ पर किसका पंडा सबसे ज़्यादा भारी रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि कुल मिलाकर 8 मैचेस खेले जा चुके हैं इन दोनों के बीच कराची में, जिस तरह पाकिस्तान 5 बार जीती है, वही दोस्तों यहाँ पर डॉ भी 3 बार हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। वही बात की जाए पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि कुल मिलाकर नेशनल स्टेडियम जो कि कराची में स्थित है, वहाँ पर कुल मिलाकर 43 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिस तरह जिससे पहले बैटिंग की है वो 7 बार जीता है, जिससे दूसरी बैटिंग की है वो 8 बार जीता है, वह अभी डॉ भी कुल मिलाकर 8 बार हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अभी जो भी टॉस जीतेगा वो टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लेने वाला है। वही बात की जाए एवरेज को, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पहली बैटिंग का तो इस सिस्टम का एवरेज आया 295 का, दूसरी बैटिंग का तो इस सिस्टम का एवरेज आया 338 का, तीसरी बैटिंग का तो इस सिस्टम में एवरेज आया 260 का, और चौथी बैटिंग का तो इस सिस्टम का एवरेज आया 151 का। बात की जाए हाई सोलाइस स्कोर के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम का हाई स्कोर रहा है 765 रन 26 विकेट्स हो गए। ये बने थे कुल मिलाकर 248.5 ओवर्स में, ये बने थे पाकिस्तान व श्रीलंका के खिलाफ। फिर बस ये लोएस्ट स्कोर की, तो मैं आपको बता दूँ कि इस स्टेडियम का लोएस्ट स्कोर रहा है 80 रन हो गए ऑल आउट हो गए। ये बने थे कुल मिलाकर 53.1 ओवर्स में, ये बने थे ऑस्ट्रेलिया ने वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो बात के लिए अपने पिच रिपोर्ट के बारे में। वही बात कीजिए वेदर रिपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि वेदर रिपोर्ट की इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं कि ये मैच पारा मैच को खेला जाने वाला है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, यहाँ पे बारिश के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पहले दिन का वेदर रिपोर्ट सुन के पेट नहीं भरने वाला। तो हम लोग बाजू के बाद जो वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वही बात कीजिए दूसरे दिन के वेदर रिपोर्ट की, तो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर साथ देख पा रहे हो कि दूसरे दिन का वेदर रिपोर्ट ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेट पतली, बाकी जैसे 12 मार्च को मौसम था वैसे 13 मार्च को रहेगा बिल्कुल साफ, बारिश के कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि देखा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वही बात कीजिए अगले दिन यानी 14 मार्च की वेदर रिपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सेम मौसम रहने वाला है, बिल्कुल मौसम साफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बादल भी नहीं होंगे, क्योंकि देखा है तो दोस्तों यहाँ पे बारिश के चांसेस आप बिल्कुल भी नहीं है। वही बात कीजिए बंदा मार्च के वेदर रिपोर्ट की, तो जैसे कि आप सब लोग अपने इसके हिसाब से देख पा रहे हो कि बंदा मार्च का वेदर रिपोर्ट ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सेम वेदर रहने वाला है, यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश के किसी भी तरह के चांसेस नहीं है। और जैसे दोस्तों दिख रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी जाने वाली है। वही बात की जाए आखिरी यानी 16 मार्च के वेदर रिपोर्ट की, तो ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सेम मौसम रहेगा, बारिश के कोई भी चांसेस नहीं, पूरा मौसम साफ, जिसको देख के लगता है कि अभी मैच का रिजल्ट निकलने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो बात के लिए हमने पूरी की पूरी वेदर रिपोर्ट के बारे में। वही बात की जाए अध्ययन टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनचेंज्ड रहने वाली है। तो दोस्तों पहले नंबर पर अब्दुल शफी, दूसरे नंबर पर इमाम हक, तीसरे नंबर पर अजहर अली, चौथे नंबर पर बाबर आजम, जो कि हम टीम के लिए कैप्टनसी का तो नजर आने वाले हैं, पाँच
में फवाद आलम छठे नंबर पर मोहम्मद इसान चौथे नंबर टीम खिलाफ विकेट कीपिंग करते नजर आने वाले हैं। सातवें नंबर पर आएंगे इफ्तिखार अहमद, आठवें नंबर पर आएंगे नौमान अली, नौवें नंबर पर आएंगे साजिद खान, दसवें नंबर पर आएंगे नसीम शाह और ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर आएगी शाहीन अफरीदी। तो ये तो बात कर लें पूरी की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में जो कि थी दोस्तों पाकिस्तान की। वही बात कीजिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों ऐसी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जैसे कि आप सब लोग अपनी इसके में सबसे देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है ये भी अनचेंज्ड रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर डेविन वॉर्नर, दूसरे नंबर पर उसोंग खाते, तीसरे नंबर पर मानुष लपुशाने, चौथे नंबर पर ईशिफ स्मिथ, पांचवें नंबर पर डेविस हेड, छठे नंबर पर कैमरन क्विन, सातवें नंबर पर एलिस कैरी, चौथे नंबर पर टीम के लिए विकेट की बिंग करते नजर आने वाले हैं, आठवें नंबर पर बैट कमिंस जो गेम टीम के लिए कैप्टनसी करते नजर आने वाले हैं, नौवें नंबर पर मिचेल शार्क, दसवें नंबर पर नेथान लियन और ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर जॉसन वुड। तो ये तो बात करें हमने पूरी की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में। वही बात कीजिए प्रेडिक्शन की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कुल मिलाकर अभी तक 8 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल स्टेडियम में जो कि कराची में स्थित है, जिसमें से दोस्तों बाद में छा रही है और 3 मैच हो रहा है। तो इसको देखें दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इतना बेकार दोस्तों की ऐसा परफॉर्मेंस शायद से मैं पहली बार देख रहा होगा। वही बात कीजिए पाकिस्तान की, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसका अपोजिट है, पाकिस्तान ने 43 मैच खेले, 30 में वो 23 मैच में जीती है, सिर्फ और सिर्फ 2 मैच हारी है, 8 मैच स्टोर आए हैं। तो इसको देख के लगता है कि अभी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वही बात कीजिए कि अभी किसकी जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो दोस्तों मैं अभी बोल नहीं पा रहा क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जीतने की चांसेस है, और दोस्तों इस काम मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बोलने नहीं चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन चीज देखिए मैच, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद कर दो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैं आपको बता दूँ कि ये मैच 12 मार्च को खेला जाएगा और ये मैच 10:30 बजे शुरू होने वाला है। तो वैसे मैं ये शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आखिर में बताना मेरा सही रहेगा ये। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।